अब से 20 महीने पहले जब बिहार मोदी लहर और महागठबंधन के बीच अपने उम्मीद को, अपनी संभावनाओं को चुनने के लिए बुद्धि लगा रहा था, दिमाग खर्च कर रहा था, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीति में इतनी तेजी से चीजें बदलेंगी। 2 साल से पहले ही महागठबंधन धराशायी हो जाएगा, 5 साल का वादा 20 महीने 6 दिन में खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे। ये वो समय था जिस वक्त बिहार से तमाम सारे कटे हुए बालों और नाखूनों के सैंपल नीतीश कुमार दिल्ली भिजवा रहे थे। वो चाहते थे कि नीतीश कुमार जान लें कि बिहार का डीएनए क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी ने 20 महीने उस डीएनए की पड़ताल की और आखिर में नतीजा ये है कि नीतीश कुमार और भाजपा का डीएनए एक ही है। एक साथ सरकार में वापस सुशील मोदी उनके डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी सीट से हट चुके हैं। लालू शाम को जब तक रांची से लौट के पटना पहुंचेंगे, खेल पूरी तरह से बदल चुका होगा। ये एक अजीब सी स्थिति है जिसमें नीतीश कुमार लगातार पिछले 2-3 महीने 4 महीने में ये संकेत देते रहे कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक नहीं हैं, महागठबंधन में स्थितियां खराब हैं। बावजूद इसके ऐसी एक भी पहल नीतीश कुमार की तरफ से दिखाई नहीं दी जिसमें उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के सभी विधायकों को, सभी नेताओं को एक साथ बैठाया हो, बातचीत की हो, जो गतिरोध थे, जो समस्याएं थी, जो संकट थे, उनको पाटने की कोशिश की हो। ऐसा लगता है कि जिस नाव के सहारे 2015 में उन्होंने गंगा पार की पटना की, उस नाव को अब जब वो रेत पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, विकास की अपने कंधे पे नहीं ढोना चाहते हैं। लालू प्रसाद नीतीश के लिए बोझ बन गए थे, तेजस्वी का रहना उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा था। वो सहज और स्वाभाविक जिनके साथ रहे उनके पास लौट गए हैं। राजनीति में यही तकाजा है और अपने समय के दो सबसे सक्सेसफुल, जो सबसे सफल नेता हैं आज के समय के, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दोनों का मंत्र भी यही है कि राजनीति में ना तो कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, राजनीति केवल संभावना है और संभावना के लिए कोई भी समझौता सिरोधार्य है।